इस शो में अपशब्द और कड़ी भाषा और वयस्क श्रोताओं के लिए वयस्क सामग्री है, जिसमें अंतरंग दृश्य शामिल हैं जो कहानी के अनुरूप हैं। यह पूरी तरह काल्पनिक है और वास्तविक व्यक्तियों, व्यवसायों, स्थानों या घटनाओं के साथ कोई भी समानता मात्र संयोग है। इस शो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, संस्था, जाति, समुदाय, नस्ल या धर्म को ठेस पहुंचाना या बदनाम करना या किसी संस्था या जीवित या मृत व्यक्ति को बदनाम करना नहीं है। श्रोताओं को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की जोरदार सलाह दी जाती है। Audible presents Permanent Roommates, He Said, She Said, an Audible original, directed by Prerna Sharma and Abhishek Jha, produced by The Viral Fever. Episode 1, Alarm and Coffee. ये है मिकेश और तानिया की कहानी, इनके छोटे बड़े कुछ स्पेशल कुछ नॉट सो स्पेशल मोमेंट्स की कहानी। तानिया और मिकेश की इस जर्नी में कभी बम्पी रोड्स हैं तो कभी स्मूथ लॉन्ग ड्राइव्स। ये कहानी है उन्हीं मोमेंट्स, उन्हीं साइलेंसेस, उन्हीं स्ट्रगल्स और उन्हीं छोटी छोटी लर्निंग्स की, जिनको मिलाकर मिकेश और तानिया अपनी लाइफ की बड़ी पिक्चर बनाने में लगे हैं। मिकेश यूएस से वापस इंडिया आ गया है। वो और तानिया 3 साल के लॉन्ग डिस्टेंस के बाद फाइनली एक साथ रहने वाले हैं। दे हैव जस्ट मूव्ड इन टुगेदर। 4th फ्लोर पर एक खूबसूरत सा घर, जिसकी बालकनी से सुबह शहर को उगते हुए देखो और रात को जगमगाती लाइट्स में डूबते हुए। धीरे धीरे वो घर को सेटल कर रहे हैं। बाहर हॉल में कुछ बॉक्सेस रखे हैं जिन्हें अभी अनपैक करना है। फर्नीचर अभी भी बिखरा हुआ है, जो प्लान के मुताबिक मिकेश और तानिया साथ में सेट करेंगे। और आज है उनके लिव इन रिलेशनशिप का पहला संडे। मिकी, ये अलार्म बंद करो यार। सो जाओ तनु, जस्ट इग्नोर इट। मिकेश, ये दूसरा अलार्म है। अगर ये तीसरी बार बजाना हो, मैं तुम्हें और तुम्हारे फोन दोनों को फेंक दूंगी। तनु, तुम्हें पता है जब तक बैक टू बैक अलार्म्स नहीं बजते मेरी आंख नहीं खुलती है। तुमने जानबूझ के संडे को अलार्म लगाया ना, जस्ट टू इरिटेट मी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है और एक कन्फेशन भी करना है। क्या? अगले 15 मिनट में 3 बार और अलार्म बजेंगे। मिकेश, फक यार, मैं बाहर सोफे पे सोने जा रही हूँ। अरे अब नींद से उठी गई हो तो योगा कर लो, फालतू में बाहर वापस क्यों सो रही हो? यू नो वॉट मिकेश चौधरी, पूरे हफ्ते ऑफिस का काम करो, नए बॉस को झेलो, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स के क्रीपी कॉलीग्स और ट्रैफिक के झंझट के बाद मुझे एक संडे मिलता है। एक संडे मिलता है आजादी से सोने के लिए। दिस इज माय फर्स्ट संडे इन दिस हाउस एंड यू हैव मिकेश हेलो रितु, क्यों कॉल किया है तानिया? रितु, आर यू स्लीपिंग? नहीं नहीं, संडे को 7 बजे कौन सोता है यार। बस अभी अभी 200 क्रंचेस कंप्लीट किए हैं, अब 25 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगी। बट ऑफ कोर्स यू आर स्लीपिंग, एवरीबॉडी स्लीपिंग। संडे को सुबह सुबह फोन करके डिस्टर्ब करना बैड मैनर्स होते हैं। और यार, जिसके साथ सेक्स करती है उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर किया करना। अब मैं तेरी एक्स फ्लैटमेट हूँ, उठूंगी तो कॉल करूंगी। ओके रितु, यार, I want to tell you something. I'm just so... I know. You have a crush on me, na? आगे बोल। यार देख, I know it's too early to judge, but शायद मैं यार ये मिकेश के साथ नहीं रह सकती। I mean, I love him and all that, but oh God, I just can't. तानिया, अब मैंने अटैच बाथरूम वाला बेडरूम ले लिया है, वो नहीं छोड़ूंगी मैं। रितु, मैं वापस नहीं आ रही हूँ यार, तू बात तो सुन। जब से we've moved in together, Mikesh is, he's just a different man. In fact, he's just a difficult man. बड़ी अजीब अजीब हरकतें करता है यार ये। So, is he into hardcore? ये cute face वाले ना ऐसे ही होते हैं। वो याद है 50 Shades of Grey वाला? वो बात नहीं है यार, मिकेश जब सोता है ना तो वो बेड पे डायगनली सोता है।
खराटे मारता है, हर रोज 5-5 अलार्म्स लगाता है और also he can just fart anywhere, anytime. तानिया तू तो ऐसे क्रिप कर रही है जैसे तेरी अरेंज मैरिज हुई हो और तू नई नवेली दुल्हन बन के गई हो. पापा को बताऊंगी ना तो वो भी मिकेश का ही साइड लेंगे. जब से यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ एवरीथिंग इज आउट ऑफ सिंक. पूरे दिन जॉब करके थक कर घर आओ, घर संभालो, मिकेश को संभालो और फिर कोई कॉफी पूछने के लिए भी नहीं है यार. अब खुद कॉफी बना के नहीं पीनी थी तभी तो तेरे साथ रहती थी मैं. अच्छा तो ये सारा मोनोलॉग तूने कॉफी की वजह से दिया है. कॉफी इज कॉफी यार. पहले पापा हर रोज स्टीमिंग हॉट कॉफी पिलाते थे और फिर तू. रितु तू भी सो गई क्या? हाँ, कॉफी पर सुबह सुबह निबंध सुनने की आदत नहीं है ना तो नींद आ जाती है. एक काम कर, शाम को घर आ जा, तेरे को मस्त कॉफी पिलाती हूँ. चल बाय. बाय, लव यू. कौन था फोन पे? उठ गए तुम? तनु डोंट डॉज द क्वेश्चन. फोन पे कौन था जिससे तुम मेरी बिचिंग कर रही थी? ओहो तो तुम सोने का नाटक कर रहे थे और मेरी सारी बातें सुन रहे थे. तभी मैं सोचूं, कल मैंने बैटमैन वाले एक्स्ट्रा शॉर्ट शॉर्ट्स पहने थे फिर भी तुमने नोटिस नहीं किया. ऑफ कोर्स क्योंकि तुम किसी और को मिस कर रही हो. शट अप मिकेश, मैं रितु से बात कर रही थी. रितु? कूल. इज देयर समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू गाइस? मिकेश चिल्लाओ मत तानिया. अगर तुम यूएस में होती ना तो सोसाइटी वाले एफआईआर कर देते. अभी तक 85 डेसिबल से 1 डेसिबल भी ऊपर जाता है ना तो पुलिस आ जाती है वहां पे. यू नो समथिंग मिकेश, आई डोंट वांट टू टॉक राइट. तो कब बात कर सकते हैं? तुम अपॉइंटमेंट दे दो, मंगलवार सुबह 9 बजे ठीक रहेगा? मिकेश रास्ते से हटो, मुझे नहाने जाने दो. तानिया तुम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती हो क्या? संडे को नहाना इज नॉट कूल, वी हैव टू सेव वाटर. हाँ, 2 हफ्ते में 4 दिन ना नहा के तुम मेरे हिस्से का पानी बचा ही लेते हो. अब तुम मेरे नहाने पर भी क्वेश्चन करोगी? यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट नाउ. अच्छा सुनो तानिया, अरे मैं नहीं लगाऊंगा यार अलार्म, लेकिन वॉशरूम का दरवाजा थोड़ा आराम से बंद किया करो. ओनर हमारी सिक्योरिटी से पैसे काट लेगा तो अच्छा लगेगा क्या? पिलो पर निकालो ना गुस्सा, पड़ जाए तो दूसरा लेंगे. सिंपल सॉल्यूशन से यार. तानिया तुम सुन रहे हो या नहीं? और ये है इनके लिव इन की पहली ऑफिशियल फाइट. मिकेश को लगता है कि तानिया उससे सिर्फ अलार्म्स को लेकर परेशान है, पर ऐसा नहीं है. दरअसल मिकेश और तानिया हमेशा एक्सट्रीम्स में रहे हैं. जब डिस्टेंस था तो इंडिया और यूएसए के बीच कुछ 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और जब पास आए हैं तो सीधा बेडरूम शेयर कर रहे हैं. रोजेस, पोएट्री और वो फिल्मी डायलॉग्स. प्यार सिर्फ ये नहीं होता है, प्यार में बेड पर गीला टॉल भी एक एलिमेंट है. तो एसी का टेम्परेचर कितना होगा ये भी एक एलिमेंट है, जो तभी पता चलता है जब दो लोग साथ में रहने लगते हैं. फिलहाल तानिया कहीं जाने के लिए तैयार हो रही है. तनु यार तुम तैयार क्यों हो रही हो? मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है. हाँ तो तुम नहीं जा रहे हो. आई एम गोइंग. ओह अच्छा सुनो, आते वक्त ना घर के सामने वाली दुकान से सेवपुड़ी लेते आना, उसको बोलना मिकेश सर ने मंगवाई है. आई कांट, आई विल बी लेट. ओह अच्छा, हाँ तुम्हारी पार्लर का अपॉइंटमेंट होगा तो ऐसे बोलो ना. समझता हूँ मैं, कल रात को ही मुझे लगा था कि यू नीड वैक्सिंग. तुम्हारे पाँव कितने रफ हो गए हैं. तनु वो गोल्ड फेशियल भी करवा लेना, तुम्हारे नोज पे बहुत ब्लैकेट्स हो गए हैं. तनु, 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 तनु. मिकेश, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी. पर हुआ क्या है? अच्छा सुनो, जल्दी आ जाना, घर भी सेट करना है और लंच पे भी जाना है ना. तुम कर लेना, मैं नहीं आ रही हूँ. अरे लेकिन ये बॉक्सेस मैं कैसे करूंगा यार, मुझे कोई आइडिया नहीं है किस बॉक्स में क्या है. फिर मैं कुछ कर दूंगा, तुम आके चिल्लाओगे कि मिकेश तुमने सब कुछ खराब कर दिया. तुम मत करना. तानिया आज शिवसागर भी जाना है ना, उसका मैसूर मसाला डोसा साथ में खाना था, अपनी बात हुई थी. हाँ तो खा लो. तनु करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बाय एनी चांस आर यू अपसेट विद मी? तनु बाय. पहले परफेक्ट संडे की बैंड बज चुकी है. तान्या उसे बिना बताए कहीं चली गई है और मिकेश यहां एक भटकती आत्मा की तरह घूम रहा है. बहुत फोन लगाए उसने और जब तान्या ने मिकेश के कुछ 20-25 कॉल्स के आंसर नहीं दिए तो मिकेश ने फाइनली उसे वॉइस नोट भेजा. अरे शुरू हो गया क्या?
हेलो, एक्ट मच्योर यार तानिया, हमारी सारी प्लानिंग पे तुम रायता फैला रही हो। शिवसागर भी नहीं गए हम लोग, पिछले 3 दिन से मैं डोसे की इमेजेस गूगल कर रहा हूँ, पता है कितना डिप्रेस फील कर रहा हूँ मैं अभी। कुछ देर तक जब तानिया का रिप्लाई नहीं आया तो मुकेश ने बोर होके घर की सेटिंग शुरू कर दी। वो चाहता है कि जब तानिया वापस आए तो उसका एफर्ट तो एटलीस्ट नोटिस करे, पर विंग चेयर को किस साइड में रखना है, बेडरूम में कौन सी पेंटिंग लगानी है, कर्टेंस क्या लिविंग रूम के फील के हिसाब से जा रहे हैं कि नहीं, ये सब उसके लिए एक क्रॉसवर्ड पजल की तरह है। वो पजल जो मुकेश सॉल्व नहीं कर पाया, लेकिन ये जरूर समझ गया कि नाराज तानिया आखिर है कहां। वो तुम्हारे घर पे है ना? ऑफ कोर्स, मेरे ही घर पर आएगी ना, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, आई एम अ रिस्पांसिबल फ्रेंड। रितु, दीज आर नॉट योर वर्ड्स, आई नो दैट। तानिया ने तुम्हारे मन में जहर भरा है, शी इज नॉट अ गुड इन्फ्लुएंस, उससे दूर रहो। ए, ये सास बहू का सीरियल देखना छोड़ दो, पॉइंट पर आओ प्लीज। रितु, नाउ यू ऑल्सो डोंट ट्राई टू चेंज मी, ओके? दैट्स मी। और एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये इंटेलेक्चुअल सिनेमा का प्रॉब्लम क्या है। अगर तानिया चाहती है कि मैं फेलनी की पिक्चर देखूं तो उसको साथ में बैठकर मुझको समझाना पड़ेगा। लोग 15-15 मिनट के पॉज ले रहे हैं, मुझे क्या पता वो क्या सोच रहे हैं। अब ये सब समझाने के बजाय वो तेरे यहाँ आकर पता नहीं क्या कर रही है। यार तुम दोनों बहुत ड्रामेबाज हो यार। मैं कुछ भी हूँ, एटलीस्ट आई एम नॉट अ एक्सेपिस्ट, एब्सेकिस्ट, एस्केपिस्ट। एग्जैक्टली। और मैं यूएस में आयंगर को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि उसे डोसे के साथ वीडियो कॉल करूंगा। अब मुझ पर एक भूखे साउथ इंडियन ब्राह्मण को तड़पाने का पाप लगेगा। मुकेश, मुझे सब कहने से कोई फायदा नहीं है, घर आ जाओ, मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, तुम पियोगे? हाँ चलेगी, बट लेस मिल्क एंड चक्कर भी कम, स्वीट तो मैं खुद ही हूँ। क्या सास टाइप स्वाइप देते हो यार, बाय। हाय मुकेश। तुम्हारा वेट बढ़ गया है क्या? तानिया के जाने के बाद तुम हाइपर ईटिंग तो नहीं कर रही हो? ए, उसे गए ना 5 दिन ही हुए हैं। कहाँ है वो लड़की? वो बैल्कनी में खड़ी है, कॉफी पी रही है। और मैं यहाँ सुबह से करवा चौथ का उपवास करके बैठा हूँ। वाह तानिया, वाह। मुकेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि इस घर के ओनर ने मुझे कॉफी पर इनवाइट किया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? रितु, मना किया था ना मैंने इसको यहाँ बुलाने के लिए। I was avoiding him. तानिया, I'm standing right here. तुम इतनी बिची कैसे हो सकती हो यार? ये लो, तुम अपनी ये कॉफी लो। तानिया, तुम अंदर जाओ, मैं आती हूँ। नाइस, कॉफी तो अच्छी बनाती हो तुम। तभी तानिया मुकेश चौधरी को छोड़कर तुम्हें अपना परफेक्ट मैच मानती है। तो तुम भी सीख लो ना कॉफी बनाना, तुम भी बन जाओ परफेक्ट मैच। अच्छा, तो इतना ड्रामा किया सिर्फ एक कप कॉफी के लिए? तुम समझे नहीं ना मुकेश, शी इजंट एडिक्टेड टू कॉफी, शी इज एडिक्टेड टू द केयर एंड इम्पॉर्टेंस शी गेट्स थ्रू दैट वन कप ऑफ कॉफी। रितु, तुम्हें ना रिलेशनशिप गुरु होना चाहिए। ऐसे लड़ने झगड़ने वाले कपल्स को घर पे बुलाओ और उनके साथ कॉफी पे चर्चा करो, कितना पुण्य कमाओगी तुम। तुम पहले जाकर ना अपनी महारानी को कोप भवन से बाहर निकालो, वरना तुम्हारे पास कोई रिलेशनशिप बचेगा नहीं एडवाइस लेने के लिए। एंड बाय द वे, मैं हूँ पार्ट टाइम थेरेपिस्ट, इफ यू नीड टू स्प्रेड द वर्ड, हियर्स माय कार्ड। तानिया और मुकेश लिफ्ट का वेट कर रहे हैं और रितु उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आई है। अरे तनु, लाओ मैं बैग पकड़ लेता हूँ। इट्स ओके। ओह काश लियो भी मेरे लिए ऐसा करता। स्टॉप इट गाइस, आई कैन सी व्हाट्स हैपनिंग। ओए, लो लिफ्ट भी आ गई। जाओ 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 जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बाय बाय बाय। अब अगले 2-3 महीने तक लड़ना मत, ठीक है? हाँ ठीक है रितु, लव यू। झगड़ा नहीं करेंगे अभी हम लोग, वी आर नॉट फाइटिंग, ओके? वी आर वन हैप्पी कपल नाउ। Bye, love you. Don't call me ever. Bye. तानिया यार, तुम कितना वॉशरूम जाती हो? तिवारी बता रहा था उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फाट मारने के लिए वॉशरूम जाती थी। बताओ, कपल्स में इतना कंफर्ट तो होना ही चाहिए ना कि वो आराम से कहीं भी फाट मार सके। Yes, you're right. You know, मैं तो कहता हूँ कि कपल्स को ना पार्टनर्स नहीं, फार्टनर्स भी होना चाहिए। पार्टनर्स, फार्टनर्स, इसी बड़ा डित है। तानिया, ये येलो ड्रेस में ना तुम एकदम बॉम्ब लग रही हो, कब ली तुमने? 2 साल पहले तुम ही ने ये ड्रेस गिफ्ट की थी मुझे। ओ हाँ, मैंने ही तो भूल गया मैं। तुम्हारे बाल यार, कुछ किया है क्या तुमने? एकदम लॉन्ग कर्ल्स बन गए। It's because of the humidity, Mukesh. मुकेश बातें करता जा रहा है और तानिया कार की विंडो पर सर रखकर भागती दौड़ती मुंबई को देख रही है।
तान्या जैसे ही घर एंटर करती है तो देखती है कि घर वैसा नहीं है जैसा वो छोड़ के गई थी। मुकेश ने घर सेट करने की कोशिश तो की है, तो फिर ये देखकर तान्या का गुस्सा कैसे नहीं पिघलता। ये क्या, ये सब तुमने किया है? हाँ, ट्राई किया था, टीवी सेट कर दिया है मैंने, और ये विंग चेयर तो यहाँ पे फील के लिए लगाई है, यू नो, बारिशों में कॉफी पियेंगे यहाँ पर बैठ के। और ये नंगे मेंढक की फोटो ना मैं बेडरूम में लगा रहा हूँ, सुबह उठते पहले इसको देखेंगे, फेंग शुई के हिसाब से बहुत लकी होता है, योर डे हैज अ जंपिंग स्टार्ट। नाइस, मुझे लगा तुम पूरे दिन फेमिना पढ़ रहे होगे। गिव मी दोस ग्रीन कर्टन्स और इसे इस वाले दरवाजे पे लगा देते हैं। ओके, थैंक्स फॉर लेटिंग मी हेल्प। ये सोफा ना यहाँ साइड वाली वॉल पे लगा देते हैं, और ये चेयर हटाओ यहाँ से, वहाँ पर तो साइड टेबल आनी चाहिए, है ना? बाय द वे मुकेश, कैन आई से समथिंग? क्या? कभी भी ना एंग्री वॉइस नोट्स ऐसे मत भेजा करो, ठीक है? क्यों? इट्स जस्ट बैड वाइब्स यार, इट विल ऑलवेज स्टे ऑन माय फोन ना। अच्छा। और इतने इवेंटफुल संडे के बाद दोनों घर सेट करते करते थक गए और फिर चुपचाप सो गए। आज है मंडे मॉर्निंग, पूरा शहर वीकेंड मोड से बाहर आ रहा है, सुबह के कुछ 8:30 बज चुके हैं, और फिर से तानिया के कानों में वही आवाज पड़ती है। मुकेश, फिर से तुम्हारा अलार्म, एक सिंपल बात क्यों नहीं समझ में? तनु, दैट वाज नॉट एन अलार्म, दैट वाज मी। मुकेश चौधरी एट योर सर्विस, ये आपका पाउंडेड पैडी। पाउंडेड पैडी? ओह, आई मीन पोहा, और साथ में है गर्मा गर्म लेस शुगर हल्की सी स्ट्रॉन्ग कॉफी। क्या है ये सब? मैं जानता हूँ कि ये सब बहुत परफेक्ट है, तुम्हें सपने जैसा लग रहा होगा, बट गेस व्हाट, यही रियलिटी है तनु। लेट मी सी इस रियलिटी का टेस्ट कैसा है। देखो, तुम चाहो तो तारीफ में मुझे किस भी कर सकती हो, आई वोंट माइंड। इन योर ड्रीम्स मिकी, खुद पी के देखो। क्या? लगता है दूध फट गया। पर एफर्ट के लिए फुल मार्क्स। और क्योंकि रोज मैं ऐसी कॉफी नहीं पी सकती, तो आई विल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट कप ऑफ कॉफी। कूल, वैसे यूट्यूब से भी सीख सकता हूँ मैं, बट इफ यू इंसिस्ट यू कैन टीच मी। ओके, शट अप। प्रेजेंटेशन कहाँ तक पहुँचे? अभी 30% ही हुई है। एंड लिसन तानिया, वो अलार्म के लिए आई एम सॉरी, वो एक्चुअली बचपन की आदत है, मम्मी ने सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने की ऐसी आदत डाली है ना कि ढंग का काम मुझसे सुबह सुबह ही होता है। सॉरी, इवन आई वाज बीइंग अ क्राई बेबी। हाँ, मुझे लगा ही था तुम्हें पीरियड्स होने वाले हैं। शट अप मुकेश। चीनी कितनी? आधा चम्मच। मेरी कॉफी पास करो। नॉट बैड। नाउ दिस इज अ गुड मॉर्निंग। अब रोज मुझे कॉफी के साथ जगाना, ओके? कूल। एक सेकेंड, ये डब्बा कब खुल गया? आज सुबह जब मैंने कॉफी बनाई। मुकेश, आर यू क्रेजी? ये कॉफी मैंने स्पेशली ब्राजील से मंगाई थी, पापा का बर्थडे गिफ्ट है ये। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना यार, आई थॉट टू मेक यू फील स्पेशल आई शुड ओपन अ स्पेशल बॉक्स ऑफ कॉफी, और तुम मुझे ही डांट रही हो। इतना दिमाग क्यों चलाते हो जब है ही नहीं? दिस इज वेरी इंसल्टिंग तानिया, तो क्या मैं बिना दिमाग के स्टार एनालिस्ट बन गया? सुनो मेरी बात मुकेश चौधरी, तुम इस घर में कुछ भी नहीं कर सकते मुझसे बिना पूछे, समझे? ये क्या बात हुई? आई डोंट लाइक दिस डोमिनेटिंग बिहेवियर। बट आई एम डोमिनेटिंग। पूरी जिंदगी मेरे पापा ने मेरी मम्मी को डोमिनेट किया है, पर अब मैं ये नहीं चलने दूंगा। मेल डोमिनेशन हैज टू स्टॉप। ओके फाइन, मेक मी अनदर कप ऑफ कॉफी। ओके, बट आई एम नॉट बीइंग डोमिनेटेड, जस्ट मेकिंग इट क्लियर। थैंक्स। मेरी और तनु की इटर्नल लव स्टोरी का नया चैप्टर। He means to say permanent roommates is on Audible Suno for free. Download now.